तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आप थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे कि आज हमारा किस टॉपिक पर वीडियो हमारा चलने वाला है। तो भाई, इस पिक्सार्ट का आज हम एक एक पार्ट का पूरा डिटेल्स देखेंगे, और उसके बाद हम जीरो से हीरो, मैं गारंटी देता हूँ आप इस पे सिर्फ एक ही वीडियो देखने के बाद आप हो जाएंगे। एक एक टॉपिक हमने पूरा इसमें क्लियर किया है, और इसमें भाई जो जो मेन टॉपिक से लोग अपना वीडियो एडिट करते हैं, एक एक पॉइंट हमने पूरा डिटेल से बताया है। बस आपको क्या करना होगा, वीडियो को फुल वॉच करना होगा, और यदि आप एक वीडियो देख लेते हैं तो आपको कोई वीडियो और देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं अपने पिक्सार्ट को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करते ही हमें यहाँ पे नीचे की तरफ ये प्लस का आइकन दिखाई देता है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारा यहाँ 6 ऑप्शन दिखाई देता है, एडिट ए फोटो, एडिट ए वीडियो, मेक ए कोलाज, बैकग्राउंड्स, अप्लाई इफेक्ट्स, रिटच। तो हम सबसे पहले ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, एडिट ए फोटो। एडिट ए फोटो पर क्लिक करते ही आपको यहाँ एक फ़ोटो चूज करने का ऑप्शन देगा, तो हम यहाँ से अपने एक फ़ोटो को चूज कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने एक फ़ोटो को चूज कर लिया। अब चूज करते ही हमें सबसे पहले ऑप्शन दिखाई देता है टूल्स का। टूल्स पर हम क्लिक करते हैं। टूल्स पर हमें यहाँ सबसे ज़्यादा ऑप्शन टूल्स में ही दिखाई देते हैं। टूल्स पर क्लिक करने के बाद हमारा सबसे पहला ऑप्शन आ जाता है क्रॉप का। क्रॉप के ऑप्शन में हम ऐसे फोटो को क्रॉप कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, और पर्सपेक्टिव कर सकते हैं। तो हमें जैसा कि फोटो को क्रॉप करना है, तो हमें स्क्वायर कर सकते हैं, 3:4 कर सकते हैं, 3:2 कर सकते हैं, और अन्य भी कई ऑप्शन दिए हैं। जैसे पोर्ट्रेट का पर क्लिक पोर्ट्रेट के साइज का बना सकते हैं। स्टोरी के लिए यहाँ हम सिलेक्ट यहाँ कर भी मैं सकते हैं, इसे स्क्रेच एक करूँगा दो पोस्ट बार के लिए, फेसबुक बन कवर के लिए, पिंटरेस्ट पोस्ट जाएगा के देखिए लिए, अन्य कई जस्ट सभी इसके हैं, यूट्यूब सामने थंबनेल के लिए। हार्ड नेस हम का यहाँ बफर भी दे रहा हूँ किसी भी ताकि साइज को ले सकते हैं, ये बॉर्डर के रूप में ना दिखे। तो आप देख सकते बट हैं मुझे मुझे यहाँ यहाँ क्रॉप करना है, तो मैं क्रॉप जस्ट इसे या फोटो फोटो को इसके इस सामने सामने रख दिख लेता लेता हूँ। हूँ। और यहाँ दूसरा ऑप्शन आता है रोटेट का, तो रोटेट को आप लेफ्ट साइड में कर सकते हो और इसे राइट साइड में कर सकते हो, इसे हॉरिजेंटल भी कर सकते हो, और उसे इसे सिर्फ आपको दिखाने वर्टिकल के भी कर लिए सकते मैं हो, यहाँ हूँ। बट बट मुझे मुझे अपने फोटो को एकदम सिंपल रखना है, सीधे सिंपल मुंह ही में फोटो कुछ लेने लेना का देना ऑप्शन नहीं करता करता हूँ। हूँ। और हाँ, यहाँ यहाँ से पे पर्सपेक्टिव पर्सपेक्टिव दिया, ऑप्शन तो का। हम इसे किसी भी डिग्री पर उतना झुका सकते हैं, फोटो को उतना खिंचाव कर सकते हैं, बट फोटो मुझे यहाँ सीधा ही रखना है, तो मैं यहाँ 0 डिग्री पर रहने देता हूँ। यहाँ पे मैं 0 डिग्री पर रहने देता हूँ, यहाँ से कुछ चेंज नहीं करता हूँ। तो हमारा पहला ऑप्शन था क्रॉप का, और दूसरा ऑप्शन आ जाता है फ्री क्रॉप, और तीसरा ऑप्शन आ जाता है सेफ क्रॉप। ये दोनों ऑप्शन सेम ही हैं। तो एक कटआउट का ऑप्शन हमें दे रहा है, और यहाँ सबसे पहला ऑप्शन दे रहा है पर्सन का। यदि हम पर्सन पर क्लिक करते हैं, तो ये हमारा पर्सन पूरे तरीके से एरिया सेलेक्ट हो जाता है पर्सन का। ये रेड वाला जो दिख रहा है, ये पूरा सेलेक्ट हुआ है। यदि हम इसे सही के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, तो ये हमारा फ़ोटो उतना सेलेक्ट हो जाएगा, और ये हमारा फ़ोटो PNG के रूप में हो गया। यदि हम इसे सेव करें, तो ये PNG बन जाएगा। बट आप इसे देख सकते हैं कि पूरे तरीके से ये फ़ोटो कटआउट नहीं हुआ है, तो हम इस ऑप्शन को रहने ही देते हैं। और दूसरा भी ऑप्शन सेफ क्रॉप सेम ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं। और अगर यदि हम चाहें तो यहाँ आउटलाइन करेंगे, इतने एरिया को सिलेक्ट करेंगे, वह हमें उतना क्रॉप करके देगा। मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए वैसे कर दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं जितना एरिया सिलेक्ट था वह उतना हमने कटआउट करके दे दिया, बट हम यहाँ से कुछ नहीं करेंगे। और तीसरा ऑप्शन आ जाता है डिस्प्ले रीजन का। डिस्प्ले रीजन में क्या है, आप जिस एरिया को सिलेक्ट करेंगे वह एरिया उतना टूटा हुआ डिजाइन के रूप में दिखाई देगा। मान लीजिए मैं इस एरिया को इतना सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, और फिर एरो पर क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यह एरिया उतना टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। आप इसे स्ट्रेच को घटाया बढ़ा सकते हैं, और इस साइज को आप छोटे से बड़े तक भी कर सकते हैं, और यहाँ आप इसका डायरेक्शन चेंज भी कर सकते हैं। किसी भी डायरेक्शन में आप
इसे किसी भी डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, बट मुझे इसका यूज नहीं करना, सिर्फ आपको बता दे रहा हूँ। और आज दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन आ जाता है फेड का। फेड के ऑप्शन में आप इसे घटा या बढ़ा सकते हैं। अगर आप इसे हल्का रखना चाहते हैं तो आप इसे हल्का ही रहने दें, अगर आप पूरा इसे शो करना चाहते हैं तो आप इसे 0 पर कर सकते हैं। और पांचवा ऑप्शन आ जाता है ब्लेंड मोड का। ब्लेंड मोड में क्या है कि आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, सॉफ्ट लाइट है, हार्ड लाइट है, डिफेंस कर सकते हैं, बट मुझे यहाँ कुछ नहीं करना है तो मैं इस ऑप्शन को रहने देता हूँ। और हमारा चौथा ऑप्शन आ जाता है क्लोन का। क्लोन का ऑप्शन बेहद ही अच्छा ऑप्शन है। आप जिस भी एरिया को सिलेक्ट करेंगे, आप उस एरिया को पुनः दूसरी जगह उसी को बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे फेस को पुनः सामने बनाना है, तो मैं इस एरिया पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। मेरा जहाँ इस एरिया को बनाना है फेस को, तो मैं फेस के एरिया को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। और मुझे मान लीजिए इसके जस्ट सामने बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, इसके हार्डनेस, साइज, ऑपेसिटी को पूरा मैनेज कर लूँगा। मान लीजिए मुझे इतना ठीक लग रहा है साइज, हार्डनेस, तो मैं इतना रहने देता हूँ। और जस्ट इसके सामने जब स्क्रेच करूँगा, जहाँ भी मैं इसके स्क्रेच करूँगा वहाँ पे बन जाएगा, देखिए, जस्ट इसके सामने मैं हार्डनेस को कम कर दे रहा हूँ ताकि ये बॉर्डर के रूप में ना दिखे। तो आप देख सकते हैं जस्ट या फोटो इसके सामने दिखाई दे रहा है। सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं यह किया हूँ, बट मुझे सिंपल ही फोटो रहने देना है, तो मैं यहाँ से डिस्कार्ड कर दिया। अब हमारा अगला ऑप्शन आ जाता है स्ट्रेच का। स्ट्रेच का ऑप्शन में हमारा यहाँ 6 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है वर्फ का। वर्फ के ऑप्शन से हम किसी भी स्थान का फैलाव कर सकते हैं। मान लीजिए ये इस हेड का, जो हम एक सीधी लाइन में करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा, हम यहाँ साइज को मैनेज करेंगे और पावर को अपने हिसाब से मैनेज कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये सीधी लाइन में करना, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ से आगे की तरफ स्क्रेच करूँगा, तो आप देख सकते हैं एक सीधी लाइन में ये हो गया। और मान लीजिए इस एयर का हाइट कम उठा है, तो हम क्या करेंगे, इसे ऊपर की तरफ और इसका हाइट बढ़ा सकते हैं। आप देख सकते हैं यह हेयर का हाइट मैं काफी कर दे रहा हूँ। आप कहीं से भी क्लॉथ का या किसी भी एरिया को बढ़ाया घटा सकते हैं। तो मान लीजिए मैं इसे भी एक सीधी रेखा में कर दे रहा हूँ। अब आपको इसे परिणाम में दिखा दे रहा हूँ। अब मान लीजिए यदि मैं सही के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, तो इस सिर्फ मैं आपको ये दिखाने के लिए कर रहा हूँ। अब आप इसमें का परिवर्तन देख सकते हैं। अगर मैं बैक पे आता हूँ, पहले पोजीशन पे, तो इस टाइप का था, और मैं जो उसके बाद चेंजेस किया हूँ इसमें, तो आप देख सकते हैं कितना अंतर हुआ है। तो ठीक है, फिर से हम उसी ऑप्शन पर चलते हैं। और फिर इसमें का दूसरा ऑप्शन है स्वेरल का। स्वेरल से क्या कर सकते हैं, हम किसी भी चीज़ को समझ लो कि उसे मुरेड़ सकते हैं, एकदम मोड़ सकते हैं। तो यदि हम किसी भी एरिया पर रखें, तो वह सर्कल के तरीके से उसका घुमाव कर देगा। आप देख सकते हैं हम जिस पर एरिया पर रखेंगे, वह उस चीज़ का घुमाव कर देगा। और दूसरा ऑप्शन ठीक इसका उल्टा है। ये लेफ्ट साइड से इसका घुमाव कर रहा था, और ये इसका राइट साइड से इसका घुमाव करेगा, और इसमें कुछ नहीं है। और चौथा ऑप्शन आ जाता है स्केच का। ये किसी भी वस्तु को एकदम समझ लो निचोड़ सकता है। यदि कोई ऑप्शन, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ देखता है, तो हम उसे गायब कर सकते हैं। मान लीजिए इस क्लॉथ पर यदि हम इसको गायब करना चाहें, तो क्या करेंगे, इसका पावर पूरा कर लेंगे ताकि काफ़ी पावरफुल तरीके से इसे सिकोड़े।
और इसका साइज भी हम बढ़ा देते हैं। अब आप इसे देखेंगे, ये इसे सिकोड़ देगा पूरी तरीके से। आप देख सकते हैं ये गायब हो गया। और यदि हम इसे पूरी तरीके से अलग करना चाहें तो हम दोबारा इस पर कर देंगे तो ये पूरी तरीके से हाइड हो जाएगा। साइज पूरा बढ़ा देते हैं पावर। अब की बार इसे पूरी तरीके से हम गायब कर देंगे। अब आप देखेंगे कि पूरी तरीके से ये गायब हो गया। बट हम इसे पहले पोजीशन में ले जाते हैं। आप देख सकते हैं इसे मैंने गायब कर दिया था। यदि फिर मैं पास्ट में चलूँ तो ये इस टाइप का था। बट मैं इसे हटा देता हूँ, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। और इसमें का पांचवा ऑप्शन है इन्फ्लेट का। इन्फ्लेट का उसका अपोजिट है स्क्यूज का। इसे हम किसी चीज़ को और फैला सकते हैं। मान लीजिए इसी को मुझे और फैलाना है तो मैं क्या करूँगा, साइज को बड़ा कर दूँगा और इसे और फैलाओ। सिर्फ आपको जानकारी देने के लिए इसका यूज किया हूँ मैं। हमारा छठवां ऑप्शन आ जाता है रिस्टोर का। रिस्टोर के ऑप्शन से हम क्या करते हैं, हम पर्सन को पूरे तरीके से कवर कर लेते हैं, लॉक कर लेते हैं। ऊपर वाला ऑप्शन देख सकते हैं, इसे यदि हम पर्सन पर क्लिक करते हैं तो हमारा पर्सन पूरा तरीके से ये एरिया पूरा सेलेक्ट हो गया रेड कलर से। और हम इसे सही टिक पर क्लिक करते हैं, उसके बाद हम कोई भी यहाँ से ऑप्शन चूज करें और यहाँ पे इसका इफेक्ट डालें तो कोई इफेक्ट पर्सन पर नहीं जाएगा। आप देख सकते हैं आप यहाँ से कोई भी ऑप्शन चूज करें, यहाँ पर्सन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। और जब आप इसे सही पर टिक करेंगे तो आप देखेंगे कि पर्सन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है। इससे जिस एरिया को आप चूज करेंगे उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ बैकग्राउंड पर असर करेगा। तो इसे हम हटा देते हैं। हमें आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमारा अगला ऑप्शन आ जाता है सिलेक्शन का। सिलेक्शन में पहला ऑप्शन हमारा दे रहा है रेक्टेंगल, दूसरा ओवल, तीसरा ब्रश, चौथा इरेज और पांचवा लेसो का दे रहा है। तो यदि हम किसी भाग को सेलेक्ट करना चाहें या तो रेक्टेंगल के साइज का ले सकते हैं आकार का, या तो ओवल का आकार का ले सकते हैं। बट हम यहाँ रेक्टेंगल का यूज कर रहे हैं तो हम रेक्टेंगल से किसी भी एरिया को उतना सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे आपको ऊपर कई ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन दिखाई देगा कट का। यदि हम कट का यूज करें तो उतना भाग हमारा कट हो जाएगा। बट हम यहाँ बैक आ जा रहे हैं। और उसके बाद अगला ऑप्शन देता है कॉपी का। यदि हम इतने भाग को कॉपी कर ले जितना हमारा रेड है इतना कॉपी हो गया। और जब हम इसे पेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे ये पेस्ट हो गया है। और जब पेस्ट हो गया है तो उतने भाग पर हमारा इस पर इफेक्ट डाल सकते हैं। नीचे देख सकते हैं आप स्क्रीन दे रहा है, मल्टीप्लाई दे रहा है, डार्कन दे रहा है, लाइट दे रहा है, ओवल दे रहा है, एड दे रहा है। आप सिर्फ उतने भाग में इसका इफेक्ट डाल सकते हैं। और यदि हम इसे यहाँ से हटाना चाहें तो दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहें तो दूसरी जगह इसे शिफ्ट भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हम यहाँ दूसरी जगह इसका इसे शिफ्ट कर देते हैं। बट मैं यहाँ से पहले पास्ट के टाइम में आ जा रहा हूँ, इसे हटा दे रहा हूँ। और मैं जब यहाँ से दोबारा सेलेक्ट करता हूँ तो फिर हमारा उतना ऑप्शन दिखाई देगा। और इसमें अगला ऑप्शन आ जाता है इफेक्ट का। यदि आप इफेक्ट पर इसमें डालेंगे तो इसमें और ज़्यादा ऑप्शन दिखाई देते हैं। पहला है ब्लर, उसके बाद कई ऑप्शन इसमें देख सकते हैं। आप देखेंगे ये ब्लू और रेड हो गया। उसके बाद हम सही पर टिक करते हैं तो हमारा उतना ऑप्शन पर हमें उतने ऑप्शन पे हमें जितना एरिया सेलेक्ट हुआ था उस पर हमारा इफेक्ट दिखने लगेगा। और यदि आप इसे पहले जैसा देखना चाहें तो ऊपर जो ये आइकन दिख रहा है इस पर जब आप टच करेंगे तो ये पास्ट के टाइम का दिखाएगा। और इससे बगल में जस्ट आप देख सकते हैं पेंसिल वाला आइकन। इससे क्या होता है हमारा सभी ऑप्शन हाइड हो जाता है और दोबारा क्लिक करेंगे तो हमारा फिर शो होने लगेगा। इससे मैं बैक आ जाता हूँ। और इसमें आप देख सकते हैं क्रॉप का ऑप्शन दिया है। आप कितने में से क्रॉप करेंगे, क्रॉप करने के बाद हमारा पुनः पीछे चला जाता है, हमें दोबारा ये ऑप्शन लाना पड़ेगा। बट मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ, देखेंगे कि हमारा उतना एरिया क्रॉप करके सामने आ गया है। इतना एरिया सेलेक्ट किया था हमने उतना एरिया सिर्फ हमें फ़ोटो का ला के देगा, उसके बाद सब वहाँ से हट जाएगा जितना एरिया सेलेक्ट नहीं था। तो हम क्या करते हैं इसे बैक कर देते हैं और दोबारा उसी ऑप्शन पर चलते हैं और दोबारा इसे हम उतना सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए आपको अगर यदि इरेज करना चाहें तो आप उसने एरिया को इरेज भी कर सकते हैं। और यदि और जोड़ना चाहें
तो आप इस पर प्लस पर क्लिक करेंगे और उतना करेंगे तो हमारा उतना एरिया और ऐड हो जाएगा। यदि माइनस करेंगे तो इतने एरिया को ये काट के निकाल देगा। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है, मान लीजिए मैंने यहाँ से पूरा सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ किनारे पर देखेंगे इनवर्स का, यस इसका अपोजिट कार्य करता है। यदि आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप जितना एरिया सेलेक्ट किए थे वह तो उतना अनसेलेक्ट हो जाएगा और बाकी जो नहीं किए थे वो उतना एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। और आप जितना इस पर डालेंगे उस एरिया पर नहीं डलेगा बल्कि उसके उल्टे वाले एरिया पे इफेक्ट डल जाएगा, पूरा चला जाएगा। और हमारा अगला ऑप्शन आ जाता है ये जो हर्ट में प्लस है, ये स्टिकर में सेव हो जाएगा। तो आप इसमें देख सकते हैं इतना आप इफेक्ट डाल सकते हैं इसमें का, सभी तो पूरा ऑप्शन हो गया। और हम चलते हैं अगले वाले ऑप्शन पर। मैं यहाँ फोटो को एडिट नहीं करूँगा, सिर्फ आपको सभी ऑप्शन बता दूंगा। और हमारा अगला ऑप्शन आ जाता है कर्व्स का। कर्व्स के ऑप्शन में आप इसमें देख सकते हैं तीन कलर का फोटो आप इसमें बना सकते हैं। यदि मैं इसे फोटो को और हाईलाइट करना चाहूँ तो क्या करूँगा, यहाँ सबसे हाइट पर इसे क्लिक करूँगा और ऊपर की तरफ स्क्रॉल करूँगा तो आप देखेंगे इतना हाईलाइट हो जा रहा है। यदि इसे मैं नीचे करूँगा तो आप देखेंगे उतना ये डार्क हो जाएगा। और इसके मध्य में यदि मैं सिलेक्ट करूँ और ऊपर ले जाऊँ तो और ज़्यादा ये हाईलाइट होगा, और नीचे लाऊँ तो ये और ज़्यादा डार्क होगा, और इसके जस्ट नीचे लाऊँ तो देखेंगे इस पर और ज़्यादा ये वाइट होगा और नीचे और ज़्यादा हार्ड डार्क हो जाएगा। और उसके बाद यदि मैं यहाँ रेड ले लूँ तो आप ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो ये सीधा ये हल्का रेड होगा, नीचे ये हरे में जाएगा क्योंकि नीचे ये हरा रंग है। और बीच में करूँगा तो और तेज रेड होगा और हाई पे और नीचे और उसका हार्ड तरीके से ग्रीन होगा। यहाँ से ले जाऊँ तो और हार्ड तरीके से रेड होगा और नीचे ले जाऊँ तो और हार्ड तरीके से ग्रीन होगा। यदि मैं फिर इसे ग्रीन पे ले जाऊँ तो आप ग्रीन को ऊपर ले जाएंगे तो हल्का ग्रीन होगा, नीचे लाएंगे आप देख सकते हैं नीचे ब्लू था तो अब ब्लू होने लगा। और फिर इसे मध्य पे ले जाएंगे तो आप देखेंगे उससे दोगुना काम कर रहा है, तो आप इसे यूज कर सकते हैं अगर चाहें। इसमें ये इतना ऑप्शन था। और आप इसे इरेज भी करना चाहें यदि आपको लगता है कि ठीक नहीं हुआ कहीं पर या कुछ और प्रॉब्लम आता है तो आप उसे उतना इरेज भी कर सकते हैं एरिए को। मैं यहाँ पूरा इरेज कर दे रहा हूँ। और इसे दोबारा अगर रिस्टोर करना चाहते हैं तो दोबारा आप रिस्टोर करेंगे तो दोबारा जो इफेक्ट पड़ा था वो आ जाएगा। यदि मान लीजिए आप सेब के तरीके से काटना चाहते हैं तो आप इसे किसी सेब का भी आकार ले सकते हैं, वह उस सेब में फ़ोटो इरेज हो जाएगा आप देख सकते हैं। चलिए अब हम अगले वाले ऑप्शन पर जाते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और उसके बाद हमारा इसमें ऑप्शन आ जाता है अगला एडजस्ट का। इसमें ये काफ़ी बेटर ऑप्शन है एडजस्ट का। एडजस्ट में आप देख सकते हैं नीचे इसमें सभी ऑप्शन दिख रहे हैं और सबका नाम के हिसाब से हमें पूरा ऑप्शन वैसे ही पता चल जा रहा है किसमें क्या होने वाला है। ब्राइटनेस इसमें हम बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं। चलिए ब्राइटनेस को मैं हल्का कुछ 8.4 ले लेता हूँ। और कॉन्ट्रास्ट पे आप इसे थोड़ा और स्पष्ट फोटो को कर सकते हैं, तो मैं इसे कुछ और रख ले रहा हूँ। और क्लियरिटी भी आप इसे दे सकते हैं फ़ोटो में, मान लीजिए हम कुछ 22 पॉइंट पर रख ले रहा हूँ। और सेचुरेशन पे आप देख सकते हैं जो लोग साइड और थोड़ा फोटो बनाते हैं तो लोग क्या करते हैं इस सेचुरेशन को पूरा घटा देते हैं, तो आप देख सकते हैं ये साइड के कलर का हो जाता है। और हमारा सबसे अच्छा ऑप्शन ये अगला वाला ऑप्शन है उसका। इसमें क्या करेंगे, जो लोग अपने कपड़े को चेंज कर देते हैं, कपड़े को कलर को चेंज कर देते हैं, इसी ऑप्शन से आप देख सकते हैं मेन ऑप्शन है ये, इसी के द्वारा किया जाता है। मान लीजिए मेरा रियल फ़ोटो ये है, ये है हमारा रियल फ़ोटो। आप देख सकते हैं इस क्लॉथ का कलर किस टाइप का है। यदि हम इस कलर को चेंज करना चाहें तो मान लीजिए मुझे यहाँ इस कलर में रखना है ग्रीन, हल्का ग्रीन में मान लीजिए रखना है, तो मैं क्या करूँगा ग्रीन तो ले लिया, अब मुझे इस फेस पर आप देख सकते हैं पूरा इफेक्ट दिख रहा है, तो क्या करूँगा पहले मैं यहाँ से इरेज कर दूँगा, पूरे फ़ोटो में इरेज डाल दूँगा। इरेज डालने के बाद क्या होगा, आप देख सकते हैं पूरे तरीके से इरेज कर दिया। अब आपको क्या करना है, रिस्टोर पर जाना है और क्लॉथ को आपको क्लॉथ का कलर आपको चेंज करना है, तो आप क्लॉथ पर इसे स्क्रेच करेंगे तो आप देखेंगे आपका क्लॉथ जितना आप एरिया को सिलेक्ट करेंगे क्लॉथ का उतना यह कलर चेंज कर देगा। याद रहे सिर्फ क्लॉथ पर ही जाए, यहाँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो पूरे तरीके से अच्छे से मैं क्रॉप नहीं कर पा रहा हूँ। आप कर सकते हैं, यहाँ थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। मान लीजिए मैंने ऐसे थोड़ा जल्दी टाइमिंग में इतना कर दिया, बट उतने अच्छे से मैंने नहीं किया है, सिर्फ
वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं वैसे आपको करके दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद आप क्या करेंगे, सही के निशान पर जब टिक करेंगे उसके बाद आप इसे चाय बढ़ाएंगे तो ये सिर्फ आपके कपड़े पर ही प्रभाव इसका दिखेगा और किसी भी रंग में आप इसे दे सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारा नेचुरल कलर ये था और हम चाहे इसे किसी भी रंग में देख सकते हैं। आप जो ये हाथ पर देख रहे हैं इसे मैंने अच्छे तरीके से इरेज नहीं किया था इसलिए इस पर दिख रहा है। यदि मैं अच्छे तरीके से इरेज करता तो हाथ पर नहीं जाता और सिर्फ हमारा कपड़े का ही कलर चेंज होता। देख सकते हैं आप किसी भी तरीके से इसका कलर चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद हमारा अगला आसन आ जाता है हाईलाइट्स का, इसे हम और हाईलाइट कर सकते हैं। शैडो का आ जा रहा है, इसमें थोड़ा हम इसको शैडो डाल सकते हैं। आप देखेंगे जो शैडो बना इसका और डार्क हो जा रहा है। और अगला आ जाता है टेम्प का, इससे हल्का फोटो में हल्का फील अपन देता है। बाकी इसमें इतने ऑप्शन थे तो हम चलते हैं बैक अगले ऑप्शन पर। और फिर हमारा अगला ऑप्शन आ जाता है इनहेंस का। इनहेंस में क्या करता है, यह नाइट में फ़ोटो बना देता है, जो नाइट वोट में फ़ोटो लेते हैं उसके जैसा डार्क में देता है। बस इसमें सिर्फ दो ही ऑप्शन है तो चलते हैं पिछले वाले ऑप्शन पर हमारा। और हमारा अगला ऑप्शन आ जाता है टाइल्ट शिफ्ट। इसमें क्या है, आप लाइनर को अप डाउन में ब्लर कर सकते हैं। यदि हम इसे और इसका हाइट कम करें तो आप देखेंगे इतना ही ब्लर हो रहा है, और ज़्यादा बढ़ा दें तो ये हमारा ब्लर कुछ और ज़्यादा कम हो जा रहा है। और आप रेडियल में करेंगे तो ये सर्कल में ब्लर होगा। आप इसे घटाना चाहें तो इसे घटा भी सकते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं होगा। और ब्लर करना चाहें तो पूरा इसे 100% रख सकते हैं, और कम रखना चाहें तो कम रख सकते हैं। मान लीजिए कई लोग होते हैं जो फेस को सिर्फ मॉडर्न तरीके से इतना इसमें शो करते हैं, बाकी ब्लर रहने देते हैं, तो आप इससे कर सकते हैं इतना। देख सकते हैं कुछ मॉडर्न तरीके से दिख रहा है। चलिए बैक चलते हैं अगले ऑप्शन पर। और हमारा अगला ऑप्शन आ जाता है पर्सपेक्टिव का, जैसे कि मैंने पहले क्रॉप के ऑप्शन में बता दिया था। यदि हम पर्सपेक्टिव करते हैं तो ये हमारा क्रॉप के ऑप्शन में अभी ले जाएगा। देख सकते हैं दे रहा है क्रॉप के ऑप्शन में जाने के लिए, बट हमें इसे यूज नहीं करेंगे। यदि हम क्रॉप के ऑप्शन पर दोबारा क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं मैंने जो कि आपको पहले बता दिया था ये उसमें शो कर रहा है, तो इससे हमारा कोई मतलब नहीं होगा। और अगला ऑप्शन आ जाता है फ्लिप रोटेट का, ये भी उसी क्रॉप के ऑप्शन में ये भी दिया है, तो देख सकते हैं उसमें भी दिया जैसे कि मैंने इसे आपको पहले बता दिया है। अब इसमें हमारा अगला ऑप्शन आ जाता है रिसाइज का। रिसाइज करना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि रिसाइज करने के बाद फोटो की क्वालिटी वही बनी रहती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से किसी हाईएस्ट संख्या को हम फिल कर देंगे, उसके बाद हमें खुद ही सजेशन देगा कि हमें कौन सा संख्या इसमें फिल करना है। तो आप देख सकते हैं नीचे की तरफ ये हमें सुझाव दे रहा है कि हम कौन सा संख्या यहाँ पे फिल करें, तो हम यह संख्या ऊपर फिल कर दे रहे हैं। सिर्फ हम पहले वाले 4 संख्या को फिल करेंगे, उसके बाद यह खुद ही हमें सजेशन देगा कि कौन सा संख्या हमें भरना है। तो देख सकते हैं मैंने उस संख्या को यहाँ पे फिल कर दिया। अब हमारा अगला ऑप्शन आ जाता है इफेक्ट का। इफेक्ट में हमें बैकग्राउंड पर इसे कई तरीके से बदलाव कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे यहाँ बैकग्राउंड को ब्लर करना है, तो मैं यहाँ ब्लर भी कई प्रकार के हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ लेंथ ब्लर ले रहा हूँ, उसके बाद ये इसका रेडियस बढ़ा दे रहा हूँ। तो आप देखेंगे ये पूरे फोटो पर इसका इफेक्ट पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इरेज करेंगे। इरेज करने के बाद बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये फोटो से पूरा इफेक्ट हट गया और बैकग्राउंड पर सिर्फ इसका प्रभाव दिख रहा है। उसके बाद जो हम यहाँ से इफेक्ट टिक करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे कोई भी इफेक्ट लें तो उसके बाद हमें यहाँ इरेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या पहले से जो हम इरेज कर चुके हैं उसका प्रभाव दिखेगा, उसके कारण यहाँ पे इरेज नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ बैकग्राउंड पर ही असर दिखेगा। आप देख सकते हैं कोई भी बैकग्राउंड आप लेंगे तो यह सिर्फ बैकग्राउंड पर ही इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए हम अगले ऑप्शन पर चलते हैं, यहाँ से हम बैक कर देते हैं। आप कोई भी यहाँ से बैकग्राउंड को इफेक्ट डाल सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन आ जाता है रिटच का। रिटच के ऑप्शन में आप देख सकते हैं पहला हमारा है ऑटो का। इस पर कुछ सेकंडों का समय लग सकता है। तो चलिए दूसरे ऑप्शन पर चलते हैं स्मूथ। आप इसमें क्या करेंगे, आप अपने फोटो को स्मूथ कर सकते हैं। बहरहाल इस फोटो में पहले से ही स्मूथनेस है, पूरा स्मूथ है। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ ऑटो कर देते हैं। यदि आपके फोटो में कहीं भी अगर लगता है कुछ, कहीं पे पिंपल्स विंपल्स है, तो आप उसे स्मूथ कर सकते हैं। ये देखिए ऑटो कुछ अपने ही तरीके से दे दिया। यदि आप और ज़्यादा चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, मैनुअल पे आ जाना होगा। साइज को आप अपने तरीके से मैनेज कर सकते हैं, एसेटिक को आप घटाया बढ़ा सकते हैं जितना आपको चाहिए। याद रहे बस इसे मीडियम में रखें, बहुत ज़्यादा रखेंगे तो या
फोटो बहुत ज़्यादा स्मूथ कर देगा, तो देखने में भद्दा हो जाएगा। किसी भी एरिया को स्मूथ कर सकते हैं, आप देख सकते हैं इसमें जो स्क्रेच पड़े हैं, स्क्रेच दिख रहे हैं, जब आप इसे करेंगे तो आप देख सकते हैं ये स्मूथ हो जा रहा है, बट ये फेस के लिए है, देख सकते हैं आप ये स्मूथ यहाँ पे हो गया। और उसके बाद हम चलते हैं अगले ऑप्शन पर, आप इसे स्मूथ कर सकते हैं हल्के में, बहुत ज़्यादा करेंगे तो आप फोटो भी ख़राब हो जाएगा। उसके बाद हमारा आ जाता है फेस फिक्स का। फेस फिक्स में क्या करेंगे, यह फ़ोटो को पूरे तरीके से ब्लर कर देता है, यदि आप इसका फिक्स बढ़ा दें और साइज़ बढ़ा दें। उसके बाद आप जिस भी एरिया पे करेंगे ये फ़ोटो को पूरे तरीके से हल्के ब्लैक तरीके से यह ब्लर कर देता है। ये किसी अदर फोटो पर आप इसका इफेक्ट डाल सकते हैं। जो फोटो जैसा रहेगा उसके हिसाब से हम इफेक्ट डालेंगे। उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन आ जाता है स्किन टोन का। स्किन टोन से हम क्या करते हैं, आप देख सकते हैं आप फेस को कितने कलर में डाल सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम यहाँ पे इस फोटो में वाइटनेस ज़्यादा, यदि हम इसे ब्लैक करना चाहें तो हम इस पर क्या करेंगे, हार्डनेस को बढ़ा लेंगे और एसिडिटी को पूरा बढ़ा लेंगे। उसके बाद हम फेस पर इसे जब करेंगे तो आप देखेंगे आप फेस में कुछ डार्कनेस आ रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, आप उसके बाद कोई भी यहाँ ले सकते हैं, अगर मान लीजिए आपको यहाँ व्हाइट चाहिए तो व्हाइट कर सकते हैं, उससे हल्का चाहिए तो आप कर सकते हैं, जो आपको चाहे वो कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से बैक आ जा रहे हैं, हम पहले बता चुके हैं हम एक फ़ोटो पर कोई फिल्टर नहीं डालेंगे, सिर्फ आपको सभी ऑप्शन हम बता देंगे बट हम फोटो का एडिट नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन आ जाता है हेयर कलर का। हेयर कलर भी वैसे है, ये देखिए ऑटो दिया तो ऑटो खुद ही अपना ये मैनेज कर दिया फोटो को। तो हमें अगर यहाँ हेयर को व्हाइट लेना है तो व्हाइट कर सकते हैं, यदि ब्लैक लेना है तो ब्लैक कर सकते हैं, और लगता है कि आपको यहाँ बहुत ज़्यादा अमाउंट है तो आप इसे घटा बढ़ा भी सकते हैं, कहीं पे अगर ज़्यादा हो जाता है तो आप इसे इरेज भी कर सकते हैं, अमाउंट को बढ़ा देखिए ये इरेज भी हो सकता है। चलिए पिछले ऑप्शन पर जाते हैं, अगले वाले ऑप्शन पर। उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन आ जाता है डिटेल का। डिटेल के ऑप्शन से क्या करेंगे, ये फोटो को कुछ अस्पष्ट तरीके से बनाता है, तो हम क्या करेंगे ये इस पूरे फोटो पर स्केच करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे फोटो पहले से कुछ स्पष्ट दिखेगा, आप देख सकते हैं फोटो कुछ पहले से स्पष्ट हो गया, यदि आप इसे घटाना चाहें तो घटा भी सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ मिडिल में रख ले रहे हैं, फोटो कुछ इससे स्पष्ट रहेगा। अभी हम इसको आपको दिखा देते हैं, तो आप देखेंगे हमारा पहले फोटो इस तरीके का था, उसके बाद यह इफेक्ट डालने के बाद हमारा इतना प्रभाव पड़ा है। मैंने यहाँ अमाउंट कम लिया था इसलिए आपको हो सकता है कुछ कम दिखाई दे, बट यहाँ प्रभाव पड़ रहा है। उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन आ जाता है आई कलर का। यहाँ हम अपने आईज को किसी भी कलर में कर सकते हैं, आप देख सकते हैं आप जो चूज करेंगे वह उसी कलर में हो जाएगा। यहाँ मान लीजिए ग्रीन अगर आप रखना चाहें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चूज करना चाहते हैं, वह आई उसी कलर में हो जाएगा। तो यदि आपको करना है तो आप सही पर टिक करेंगे, अन्यथा आप बैक हो जाएंगे, देख सकते हैं। पर हम फिर भी यहाँ से बैक कर दे रहे हैं क्योंकि हमें फ़ोटो को एडिट तो करना नहीं है। उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन आ जाता है टीथ वाइटन का। टीथ वाइटन सिर्फ इसमें जो लाफिंग रहता है, लाफिंग फ़ोटो या स्माइलिंग फ़ोटो कोई भी हो, सिर्फ वह इस पर लागू हो सकता है। यहाँ तो फोटो सिंपल इसलिए यह नहीं हो सकता, आप देख सकते हैं ये पहले ही दे रहे, नहीं हो सकता इस पर। उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन आ जाता है रिसेप का। रिसेप से क्या होता है, आप किसी भी एरिए को अंदर कर सकते हैं या बाहर कर सकते हैं, मैंने पहले ये बता दिया है, देख सकते हैं ये पहले हमारा ऐसा था लेकिन अब ऐसा हो गया। और फ़ोटो को आप लॉक भी कर सकते हैं, लॉक करने से क्या होगा कि हमारा फ़ोटो पर सर प्रभाव नहीं दिखेगा, देख सकते हैं ये मैंने ऑटो से इसे पूरा एरिए को सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद ये रेड वाला जितना भी एरिया है वह उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप कोई भी इफेक्ट डालेंगे तो जितना ये रेड वाला है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर आप सही पर टिक करेंगे, आप देखेंगे फ़ोटो पर कोई प्रभाव नहीं दिखेगा। तो इससे आप फोटो के हिसाब से इसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा इसमें अगला ऑप्शन आ जाता है स्टिकर का। स्टिकर से क्या होता है, हम यहाँ किसी भी स्टिकर को चूज कर सकते हैं, पर इसमें हमें इंटरनेट की ज़रूरत होगी। आप यहां से कोई भी स्टिकर ले सकते हैं, यदि ये फेस पर दिखेगा तो आप यहां से इरेज भी इसे कर सकते हैं।
ले सकते हैं, आप इसे अपने तरीके से ले सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला फन आ जाता है कटकट का। इससे इसमें इंटरनेट की ज़रूरतें होती हैं। कटकट का ऑप्शन मैंने पहले आपको ही बता दिया है, इससे आप PNG को बना सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन आ जाता है को मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन आ जाता है इसमें टेक्स्ट का। आप कुछ भी यहाँ आप लिख सकते हैं, स्टाइलिश स्टार कुछ भी लिख सकते हैं आप अगर चाहें तो आप इसे लिख सकते हैं। लिखने के बाद इसमें हमारा कलर भी आप इसमें डाल सकते हैं, कोई भी कलर आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ स्ट्रोक दिया है, स्ट्रोक से आप इसमें बॉर्डर बना सकते हैं, ऑपोसिटी इसमें घटा बढ़ा सकते हैं, आप ब्लेंड कर सकते हैं, ब्लेंड में कुछ भी आप कर सकते हैं, इतने ऑप्शन है। शैडो इसका दे सकते हैं आप। और यह ब्लेंड कर सकते हैं आप इसे, बट हमें यहाँ कुछ लिखना तो है नहीं, तो हम यहाँ बैक चलते हैं और अगले वाले ऑप्शन पर चलते हैं। उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन आ जाता है फिट का। फिट के हिसाब से आप पहले, यदि आप एक बार इंटरनेट से पूरा रिसार्ट चला लेंगे तो यह दोबारा इंटरनेट की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगी। आप इसमें पीछे का बैकग्राउंड किसी भी आकार का ले सकते हैं, किसी भी कलर में ले सकते हैं, देख सकते हैं आप कोई इमेजेस ले सकते हैं, आप शैडो इसका ले सकते हैं, स्टेटस स्टेटस में इसको लोग काफ़ी यूज करते हैं। ये स्टेटस के तरीके से जो स्टेटस बनाया जाता है या उसमें ज़्यादातर यूज करते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अगले वाले आसन पर। ये हमारा अगला आसन आ जाता है ब्रश का। ब्रश में तो आप इतना तो इसमें आप किसी भी एरिया को आप पेंट कर सकते हैं। और पेंट करने के बाद हमारा इसमें अगला ऑप्शन आ जाता है, आप देखेंगे यह जिस हिसाब से इसमें यह दिख रहा है वहीं इस हिसाब से आप इसमें लाइनिंग दे सकते हैं किसी भी मॉडर्न तरीके से। ये आप फोटो के हिसाब से इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन आ जाता है, ये देख सकते हैं ये लाइटिंग के हिसाब से दे रहा है, ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, आप इसे फोटो के हिसाब से कहीं भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन आ जाता है, आप देख सकते हैं इसमें कई सारे ऑप्शन हैं। अगर आप मान लीजिए कुछ मून लाइट के तरीके से फोटोग्राफ करना चाहते हैं तो आप इसे यहाँ पे जैसे ही इसको ये स्थान पर आप इसे स्केच करेंगे वह फिर से होने लगेगा। आप इसे फोटो के हिसाब से इसे डाल सकते हैं। अगर मान लीजिए फोटो कुछ लवली तरीके से आप इसे एडिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ कोई भी इफेक्ट आप दे सकते हैं, देख सकते हैं आप ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। मान लीजिए आप किसी अन्य तरीके से आप देख सकते हैं, जब किसी आप देखे होंगे जो लोग फोटो एडिट करते हैं उन लोग बैकग्राउंड में ये लाइटें दिखती हैं पीछे की तरफ, तो आप ये भी दे सकते हैं। और अन्य सारे हैं इसमें, ये लाइट भी आप देखते होंगे, ये लाइट भी आप दे सकते हैं इसमें काफ़ी अच्छा लगेगा, ये जो टिमटिमाते हैं। और इसमें बैकग्राउंड में आप बादल का भी इफेक्ट यूज कर सकते हैं जो काफ़ी देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसमें ढेर सारे ऑप्शन आप कोई भी यहाँ से यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कोई फेस्टिवल पर कोई फ़ोटो यदि आप एडवांस में एडिट करना चाहते हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फोटो के हिसाब से कितना अच्छा एडिट कर पाते हैं, तो आप यहाँ इसे इरेज भी कर सकते हैं। हमारा अगला ऑप्शन आ जाता है, हमारा एक पीछे ऑप्शन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है छूट गया है, ऐड फोटो। यहाँ से हम क्या करते हैं, अपना बैकग्राउंड चेंज करते हैं। जैसा कि आप देखते होंगे जो लोग फोटो एडिट करते हैं वो लोग अपना बैकग्राउंड जो चेंज करते हैं इसी ऑप्शन से करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इससे हम अपने बैकग्राउंड को रिमूव करके दूसरा बैकग्राउंड लगा सकते हैं। तो चलिए हम बैक हो जाते हैं और पूरी तरीके से ताकि आपको समझ में आए। तो जैसे ही आप अपना ऐप ओपन करेंगे तो आप जानते हैं ये आपका पहला सेट में खुलेगा। तो क्या करेंगे, आप यहाँ से अपना बैकग्राउंड चूज कर लेंगे जो आप डाउनलोड किए होंगे। यदि आप डाउनलोड नहीं किए हैं तो गूगल पर आप सर्च कर लेंगे पिक्सआर्ट बैकग्राउंड, तो उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे बैकग्राउंड आ जाते हैं HD क्वालिटी में। तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अपना बैकग्राउंड, जैसे कि मैंने वहाँ से डाउनलोड किया है। तो हम अपना बैकग्राउंड ले लेते हैं और उसके बाद जिस फ़ोटो का हमें बैकग्राउंड रिमूव करना है और बैकग्राउंड चेंज करना है हम उस फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अपना बैकग्राउंड
ले लिया था और फोटो सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमारा ऊपर ऑप्शन आ जाता है इरेज का, तो हम क्या करेंगे इरेज से, हमारा यहाँ दो तरीके से हम बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। एक पहला ऑप्शन हमारा सेलेक्ट का, जिसे हम इस पर टाइप करेंगे, उसके बाद हमारा ऑप्शन आ जाएगा पर्सन स्काई क्लॉथ फेस बैकग्राउंड, इतना ऑप्शन दिया रहेगा। हम पर्सन पर क्लिक करेंगे तो हमारा बैकग्राउंड तो रिमूव हो जाएगा, लेकिन बट उससे प्रॉब्लम ये है कि बॉर्डर पर वो कालापन दे देगा, जिससे देखने में अच्छा नहीं लगेगा और उसे पता चलेगा कि बैकग्राउंड चेंज किया हुआ है, तो उतना बेटर नहीं है। बेटर हमारा यही है कि हम खुद से ही बैकग्राउंड को रिमूव करें इरेज के माध्यम से। तो चलिए हम पहले बैकग्राउंड को रिमूव कर लेते हैं। तो देख सकते हैं हमारा बैकग्राउंड यहाँ पूरे तरीके से रिमूव हो गया, और रिमूव होने के बाद हमारा इतना ऑप्शन इसमें देगा क्रॉप फिलिप रोटेट का देगा, उसके बाद ये शैडो का देगा। आप इसे किसी अन्य जगह पे यूज कर सकते हैं, ब्लैक एरिए पे किसी सिक्योरिटी का, यदि आप बैकग्राउंड चेंज करते हैं तो आप उसमें बैकग्राउंड में ये शैडो लगा सकते हैं। और इसमें हमारा दे रहा पोजिशन, पोजिशन को आप मैनेज कर सकते हैं किसी भी साइड में ले जाके। और इसमें कलर देता है, आप किस कलर का शैडो लेना चाहते हैं उस कलर में आप इसका शैडो ले सकते हैं। तो देख सकते हैं आप किसी भी कलर में इसका शेडो आप ले सकते हैं। उसके बाद हमारा इसमें अगला ऑप्शन आ जाता है एडजस्ट का। एडजस्ट का जैसे कि मैंने आपको पूरा ऑप्शन पहले बता दिया है इसका क्या यूज है, तो हम अगले ऑप्शन पर चलते हैं ताकि हमारा टाइम में और कुछ कमी है। और हाईलाइट शेडो टेम्प सब दिया है, आप इसे अपने तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए हम फिर अगले ऑप्शन पर चलते हैं। मैं तो अभी तक कोई इफेक्ट नहीं यूज किया था, बट इसमें का ये रहने देता हूँ बैकग्राउंड चेंज कर दिया हो तो। उसके बाद हमारा फिर इसमें अगला ऑप्शन आ जाता है बॉर्डर का। बॉर्डर में हम अपने फोटो में बॉर्डर लगा सकते हैं। बॉर्डर को हम दो पार्ट में कर सकते हैं, इसमें आप कलर देख सकते हैं, आप कलर भी यूज कर सकते हैं कोई भी। और मैंने यहाँ से फर्स्ट वाला कलर ले लिया वाइट, तो आप यहाँ दो बॉर्डर यूज कर सकते हैं और आप इसे रेडियस में भी कर सकते हैं। और ये इनसाइड का है, आप इसे इनसाइड का चाहे तो अंदर के तरफ बॉर्डर बना सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, आप इसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम अगले ऑप्शन पर चलते हैं। अब हमारा अगला ऑप्शन आ जाता है मास्क का। तो मास्क में आप देख सकते हैं हमारे कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें आपको डाटा से कनेक्ट करना होगा तभी यह चलेगा, वरना नहीं चलेगा। तो मैंने इसे डाटा से कनेक्ट कर दिया, तो आप देख सकते हैं रिप्लाई है, आप इसे कई मॉडल में बना सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की तरह दिख रहा है, जो देखने में काफ़ी अच्छा दिखता है। और जब आप इसे अपडेट करेंगे इस आर्ट को, तब ये और ज़्यादा ऑप्शन इसमें दिखाई देते हैं। बहरहाल आप अपडेट करने के बाद इसे एडिट कर सकते हैं, तो आप यहाँ से कई तरह के इफेक्ट ले सकते हैं। तो यदि आपको लगता हो या फेस पे ना रहे, तो आप इसे यहाँ से बैकग्राउंड कर सकते हैं, तो या सिर्फ बैकग्राउंड पर इसका इफेक्ट दिखेगा और बाकी आपके फेस के एरिया से यह हट जाएगा। तो चलते हैं हम फिर अगले ऑप्शन पर चलते हैं अपने। और हमारा फिर अगला ऑप्शन आ जाता है ड्रा का। तो ड्रा में आप देख सकते हैं इसमें भी कई सारे ऑप्शन हैं, तो आप यहाँ से कई तरीके से इसमें पेंटिंग आप डाल सकते हैं, आप साइज बढ़ा सकते हैं, और आपको यहाँ ऊपर जैसे भी आप चेंज करेंगे आपको दिखाई देगा कि किस पोजीशन में चेंज हो रहा है, इसका आकार कैसे दिखने वाला है। तो आप इसे चेंज करके आप इसे एरिए को, किसी भी एरिए को पेंट कर सकते हैं फोटो के हिसाब से। तो हमने यहाँ ड्रा कर लिया, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ कहीं और एक ऑप्शन आए आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगा, आप यहाँ से आप अपने नाम को मान लो फिल कर सकते हैं, उसके बाद आप यहाँ से इसे साइज को बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं, और इसका ऑफसेट भी घटा बढ़ा सकते हैं, और बाकी आप जिस एरिया पे इसको स्केच करेंगे आपका ना उस पर लिखा मिलेगा। आप तो चाहें इसे एडिट कर सकते हैं अपने नाम के द्वारा,
अपना नाम लेकर। तो आप देख सकते हैं इसमें कई सारे ऑप्शन हैं और आप इसे क्या कर सकते हैं। इसमें आपको एक अच्छा इफेक्ट बताऊं तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ से ड्रॉप कर तो आप हैं ही, तो आप यहाँ से कलर को मान लो मैं यहाँ पे ब्लू ले लेता हूँ, उसके बाद यहाँ से इसका आकार हाई कर देता हूँ और इसका हार्डनेस कम कर देता हूँ 0 पॉइंट पर। और उसके बाद मैं मान लीजिए एक साइड में हाफ फ़ोटो को कलर कर दे रहा हूँ और उसके बाद हाफ फ़ोटो में रेड ले ले रहा हूँ, उसके बाद हाफ फ़ोटो पर इसका इफेक्ट डाल दे रहा हूँ कलर का। उसके बाद मैं यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ से मैं इसे और ले करके देखूँगा जो सबसे अच्छा ऑप्शन दिखेगा, दिखने में अच्छा लगेगा, मैं यहाँ से इसे चूज कर लूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से ठीक है, इसके घटा बढ़ा सकते हैं और आप देखेंगे यहाँ से काफ़ी अच्छा दिखने में लगता है। आप इसे अपने हिसाब से कलर में डाल सकते हैं और इसमें आप इसे कॉपी भी कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं ट्रांसफॉर्मर, इसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, लेयर को बढ़ा सकते हैं और इसमें मर्ज कर सकते हैं जो कि सिर्फ कलर पे आ जाएगा और आप इसे पूरा क्लियर कर सकते हैं, मतलब इरेज आप इसे कर सकते हैं पूरे तरीके से। आप बाकी अपने तरीके से फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं। और हमारा अगला ऑप्शन आ जाता है लेंस का, लेंस फ्लेयर पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। और इसमें ज़रूरी बात यह है कि इसमें भी आपका डाटा ऑन होना चाहिए, आप यहाँ से किसी भी ऑप्शन को चूज करके आप इसे फ़ोटो में लगा सकते हैं, चाहे इतना चाहे ऑप्शन आप यहाँ से इसे ले सकते हैं और फ़ोटो को कुछ मॉडर्न तरीके से इसे आप एडिट कर सकते हैं। देख सकते हैं मैंने लाइटिंग से कुछ इसका प्रभाव डाला है। बाकी आप कोई भी ऑप्शन लेके आप यहाँ इसे एडिट कर सकते हैं और इसमें दो ऑप्शन और आपको देखने को मिल जाएगा, लाइटिंग और ऐड का। तो चलिए हम यहाँ से इसे बैक आ जाते हैं और हमारा अगला ऑप्शन आ जाता है इसमें शेप मास्क का। शेप मास्क में आपको एफसीटी पूरा बढ़ा लेना और आप इसे किसी भी लोगो बनाने में आप इसे यूज कर सकते हैं और इसमें आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। स्क्रीन है जब आप इसे अपडेट करेंगे तो आपको इसमें कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। बहरहाल आप इसे अपडेट कर सकते हैं और अपडेट करने के बाद आपको इसमें सभी सोशल मीडिया के लोगों भी आपको इसमें मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ किसी भी डिजाइनिंग में आप इसे ले सकते हैं और आप यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं और जब नॉर्मल कर देंगे तो यह पूरा अपने रियल कलर में आ जाएगा। और यहाँ से आप किसी फ़ोटो को भी चूज कर सकते हैं जो कि आपको यह बैकग्राउंड में जाकर दिखेगा। तो चलिए मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ और फ्रेम में आपको यहाँ से आपका डाटा ऑन होना चाहिए। ऑन होने के बाद आप यहाँ से किसी भी बर्थडे विशेष, मैरिज विशेष, किसी भी ऑप्शन में आप इसे ले सकते हैं। यहाँ से हमारा डाटा ऑन होना चाहिए। तो मैं यहाँ बर्थडे विशेष पे ले लेता हूँ इससे। तो देख सकते हैं आप बर्थडे विशेष में हम इसे बना भी सकते हैं और इसे जब इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पहले पोजीशन को दिखाएगा। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से और ऑप्शन लेना चाहते हैं यहाँ से ले सकते हैं और बाकी आप यहाँ से किसी भी पार्टी या लिप्स मीन्स पेंट कोई भी यहाँ से सर्च कर सकते हैं और बाकी आप यहाँ से उसे ले सकते हैं। जो प्रीमियम है उसे हम नहीं चूज कर सकते, उसमें पेमेंट पे करना पड़ता है। तो जैसे कि आप किसी का लोगो बनाना चाहते हैं तो आप किसी लोगों को आप यहां से ले सकते हैं और बाकी आप किसी फोटो का आप लोगों बना सकते हैं, देख सकते हैं, देखने में काफ़ी बेटर लगता है। तो चलिए हम यहां से लेआउट पर चलते हैं। लेआउट पर आप यहां से किसी चैटिंग या मैसेज के हिसाब से फोटो को बना सकते हैं। यहां से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं और यहां से कॉपी करके आप इसका दूसरा लेयर बना के कोई भी कलर इसमें डाल सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं मूव अप मूव डाउन दिया, यदि आप इसे मूव डाउन करेंगे तो क्या होगा, ये नीचे चला जाएगा इसके, और मूव अप करेंगे तो यह ब्लू कलर या ऑरेंज कलर से ऊपर आ जाएगा। बस इसमें इतने ही अंतर है। और आप यहाँ फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं जिस भी डिजाइनिंग में देना चाहें, आप यहाँ से घटा भी सकते हैं कुछ बड़ा सकते हैं और आप ब्लेंड भी दे सकते हैं, स्क्रीन है, डार्केन है, किसी भी पोजिशन में आप इसे ले सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ काफ़ी ट्रांसपेरेंट की तरीके से हमारा दिखाई दे रहा है। और जब हमारे यहाँ तो सभी ऑप्शन समाप्त हो गए, लेकिन आपको क्या करना होगा, जब आप पूरे तरीके से फ़ोटो को एडिट कर लें तो
तो आपको जब फोटो सेव करना होगा, आप ड्रा में आके इस फाइल को चूज करके जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, सॉरी जब यहाँ है आप थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ सेव इमेज, यहाँ से आप फोटो को सेव करेंगे। यदि हम चाहें फोटो को यहाँ ऊपर जो दिया ये ऑप्शन हम यहाँ से भी सेव कर सकते हैं, बट यहाँ से क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं देती, तो हम क्या करेंगे ड्रा से ही अपना फोटो सेव करेंगे। तो भाई जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, पिक्सआर्ट का एक एक टॉपिक मैं आपको डिटेल से पूरा क्लियर करूँगा, तो मैंने आपका एक एक टॉपिक आपको क्लियर करके दिया। तो इसमें कुछ आपका भी फर्ज बनता है कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारा भी एक छोटा सा कार्य कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और छोटा सा कमेंट कर सकते हैं, बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो और भी बेहतर होगा, क्योंकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और वीडियो की ये जानकारी जिस प्रकार की दी जाएगी आपको वो भी मिलते रहेंगे। और चाहते हैं कि आप हमारा कुछ सपोर्ट करें, तो बाकी इतना काम आप कर सकते हैं। बाकी आपको फुल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।